गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े ट्रकों में पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन का उपयोग क्यों किया जाता है? और आखिरकार कैप्सूल हमेशा दो रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ज्यादा हंसने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है? और आखिरकार ये उल्लुओं की प्रजाति छोटे सांपों के बच्चों से अपने घोंसले की सफाई क्यों करवाती है? आज आप इस वीडियो में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 10, गाइस आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि वेनेजुएला को दुनिया का सबसे महंगा शहर माना जाता है। यहाँ पर महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर आप वेनेजुएला में एक कप कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए एक कप कॉफी के देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं गाइस, अगर आप वेनेजुएला में एक किलो सब्जी भी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 50 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। गाइस अजीब है ना, पर सच है। नंबर 9, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि जो कैप्सूल हमें डॉक्टरों द्वारा दवाई के रूप में दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से दो रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैप्सूल हमें डॉक्टरों द्वारा दिए जाते हैं वो हर कैप्सूल दो पार्ट में बटा होता है। इनका एक भाग छोटा और दूसरा भाग बड़ा होता है, लेकिन दोनों पार्ट के रंग अलग अलग होते हैं क्योंकि इन कैप्सूल के दोनों पार्ट का कलर भिन्न भिन्न होने से कैप्सूल के प्रोडक्शन में आसानी होती है और इससे कैप्सूल हमें आकर्षक भी लगता है। कई बार हम डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को लेना भूल जाते हैं और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सी दवाई हमें कब लेनी है। इन कैप्सूलों का अलग अलग रंग होने के कारण हम कंफ्यूज नहीं होते हैं और सही टाइम पर सही दवाई ले लेते हैं। इसी वजह से हमेशा कैप्सूल दो रंग के ही बनाए जाते हैं। नंबर 8, गाइस क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ की जीभ उसके मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपकी हुई होती है, यानी कि मगरमच्छ की जीभ हिल नहीं सकती है और ना ही मगरमच्छ की जीभ उसके खाने को चबाने में मदद करती है। लेकिन गाइस आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ की लार इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यह कांच और स्टील तक को भी पचा सकती है। नंबर 7, गाइस रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक बनाने की शुरुआत 1901 में की थी। उस समय रॉयल एनफील्ड का लोगो तोप जैसा दिखता था। उस समय इसकी टैग लाइन थी, तोप जैसी दिखने वाली और गोली जैसी चलने वाली। नंबर 6, गाइस क्या आप जानते हैं कि शार्क इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होती है? एक शार्क का शरीर हर बीमारी से लड़ने की क्षमता रखता है। गाइस एक वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि शार्क को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी नहीं होती है। नंबर 5, गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे कि ट्रकों को चलाने के लिए डीजल इंजन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, पेट्रोल इंजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पेट्रोल डीजल की तुलना में बहुत जल्दी जलता है और भारी वाहनों को चलाने के लिए भारी मात्रा में बल की आवश्यकता होती है। पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो लोअर होता है जबकि डीजल का कंप्रेशन रेशियो हाई होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल की इफिशियंसी ज्यादा होती है, यानी पेट्रोल की तुलना में डीजल बहुत ज्यादा माइलेज देता है जो कि बड़ी गाड़ी के लिए अति आवश्यक है। यही कारण है कि ट्रकों जैसी बड़ी गाड़ियों में डीजल इंजन का ही उपयोग किया जाता है। नंबर 4, गाइस आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कोको कोला इतने अलग अलग तरह के पेय पदार्थ बनाती है कि अगर आप रोजाना एक कोको कोला का पेय पदार्थ पीने की कोशिश करते हैं तो कोको कोला के सभी पेय पदार्थों को पीने में आपको 9 साल का वक्त लग जाएगा। नंबर 3, गाइस आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि हंसने से हमारी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं होती है बल्कि ज्यादा हंसने से हो जाती है, क्योंकि ज्यादा हंसने से श्वासावरोध हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस तरह की मृत्यु को डेथ फॉर लाफिंग कहा जाता है। नंबर 2, गाइस एक वैज्ञानिक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर इस धरती पर उपस्थित सभी मधुमक्खियां एक साथ समाप्त हो जाएं तो मनुष्य केवल इस धरती पर 4 वर्ष ही जी पाएगा। नंबर 1, गाइस आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि स्क्रेच आउल नाम की एक ऐसी अजीब उल्लू की प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति के उल्लू छोटे टेक्सस ब्लाइंड स्नेक नाम के सांपों को पकड़कर उनसे अपने घोंसले की सफाई करवाते हैं। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, सांप उन सभी परजीवियों को खाकर उल्लुओं के घोंसले को साफ कर देता है जो कि उल्लू के लिए हानिकारक होते हैं और उल्लुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइस क्या इससे पहले तक आपको इन मजेदार फैक्ट्स के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।